नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड भाई, लाइफ के दिशा निर्देशन के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे। लाइफ को डायरेक्शन कैसे दें और लाइफ में डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि लाइफ में डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस इन्फ्लुएंस में जीते हैं, किस तरह के लोग आपके दोस्त हैं, किस तरह का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, ये आपकी पूरी काया बदल सकता है। भाई हम पिछले वीडियो में हमने बताया, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन का निर्देशन कर रहे थे, अर्जुन का डायरेक्शन कर रहे थे लाइफ में। इसीलिए ही शायद महाभारत जो थे 5 पांडव जीते थे। बट आपकी लाइफ में दिशा निर्देशन कौन कर रहा है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दिशा निर्देशन अगर सही होगा तो आप दुनिया की कोई भी बड़ी चीज को पा सकते हैं और दुनिया की किसी भी बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं आगे के बचे हुए 4 पॉइंट्स के बारे में। हमने लास्ट पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। आगे शुरू करते हैं। ट्रस्ट इन योर इनसाइट्स। द सेंस ऑफ नोइंग एंड रिकग्नाइजिंग एज अ गट फीलिंग टेंड्स टू कम अप विद अ स्पेसिफिक सिचुएशन। हम अपने जो हमको विश्वास होता है कि ये चीज हमारे लिए सही है या ये चीज हमारे लिए गलत है, हम एक गट पे विश्वास रखते हैं। हम जिसे हम कहते हैं इनर वॉइस, जो हमारे अंदर से आवाज आती है यार ये काम सही है ये काम गलत है, अगर हम इस पर विश्वास रखें, अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो वो आवाज भी सही होगी। पर उसके लिए हमें सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना होगा और उस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी गट जो है वो आपकी पूरी सिचुएशन, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीजों को सोचते हुए जवाब देती है। सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड ओवर अ पर्टिकुलर ऑप्शन टू चूज एंड आर नॉट एबल टू मेक अ करेक्ट डिसीजन, द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज ऑफन टू ट्रस्ट योर गट। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप इस पर्टिकुलर चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो अपनी गट पर विश्वास रखिए, अपने मन पर विश्वास रखिए। मैं जानती हूं कि अगर आप ऊपर वाले के आप कोई भी एक सुपर पावर को मान सकते हैं, वो भगवान के नाम से हो सकते हैं, अल्लाह के नाम से हो सकते हैं, जीसस के नाम के हो सकते हैं, किसी भी नाम से हो सकते हैं, पर ये जो एक सुपर नेचुरल पावर है यही आपको जीने का, आपको आगे का लाइफ का गट देता है। जैसे मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ कि अगर ऊपर वाला है तो भाई उसने जो है चींटी भी बनाई और चींटी का भी बंदोबस्त करा है तो आपका भी बंदोबस्त करा ही होगा। तो अपनी गट पर, अपने इस अंदरूनी मन पर विश्वास रखिए। एज द गट फीलिंग विल लीड टू यू टू अ क्लियर डायरेक्शन। आपके क्लियर डायरेक्शन का आगे का रीजन ये हो सकता है क्योंकि आपको आपकी गट पे बहुत ज्यादा विश्वास है। नेक्स्ट इज, बड़ा मजेदार सा एग्जाम्पल है कि अगर लाइफ में दिशा निर्देशन चाहिए तो एक ट्रिप करिए। हम कुछ चीजें किताबी भाषा से नहीं समझ सकते और हमारे लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस एक ट्रिप या कहीं बाहर जाकर सीखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे हम आजकल जो है भारत सरकार इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब कोई चीज करते हुए उस चीज को सीखना। सो ट्रैवल प्रोवाइड्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस लाइक नो अदर। इट इंस्पायर्स पीपल टू सीक आउट न्यू प्लेसेस। आप नई नई जगहों पर जाते हैं और साथ ही साथ यू हैव अ पूल ऑफ नॉलेज, आपके आसपास बहुत सारी नॉलेज है जो आपको वहां पर मिल जाती है। नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, नए नए तरीके मिलते हैं। सो कॉन्स्टेंटली टॉपिंग अप, हैविंग अ न्यू एक्सपीरियंस इज बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग योर ब्रेन टू फंक्शन एंड बूस्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ विजन एंड फाइंडिंग अ डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। जैसे आपको एक अपना पर्सनल इंसिडेंट शेयर करती हूँ। लाइफ में 2018-19 अराउंड, जब मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे, जब मुझे भी नहीं समझ में आता था कि लाइफ कहाँ ले जा रही है, कहाँ जाना चाहती हूँ, जबकि मुझे ये बात क्लियर थी कि मुझे PhD करना है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, मैं काफी क्लियर थी। बट पता नहीं कैसे आई एंडेड अप गोइंग टू मथुरा। दैट वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रिप टू मथुरा। जितने भी मेरे क्लोज वंस हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मुझे वहीं से बहुत सारे लाइफ का डायरेक्शन मिला है। तो आप अपने लिए कोई ऐसी अल्टरनेट जगह ढूंढ सकते हैं, आप ऐसी कोई भी ऐसी एक तीर्थ स्थल ढूंढ सकते हैं। क्या पता आपको ट्रैवलिंग में ही इंटरेस्ट हो और आप यहीं से अपने इंटरेस्ट को कैच करें। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रैवल करें, इससे भी आपको बहुत ज्यादा दिशा का निर्देश मिलता है। नेक्स्ट इज गेट प्रेयर विद गॉड। अब आप भगवान को किसी भी रूप में मान सकते हैं, आप इसको सुपर नेचुरल पावर में मान सकते हैं, आप ये मान सकते हैं हर चीज हमारे आसपास भगवान हो सकती है। ये लैपटॉप भगवान हो सकता है क्योंकि ये मुझे शिक्षा देता है, जो फोन है वो मुझे शिक्षा देता है, ये भी मेरा भगवान हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान ऊपर वाला भगवान है, पर मैं तो ये समझती हूँ कि हर चीज में हमारे साथ, हर कण कण में भगवान जो है वो समाहित रहते हैं। सो आप ये मत समझिए कि आपके लिए ऊपर वाले ने कुछ बुरा प्लान करा होगा। हमेशा इस बात पर पॉजिटिव रहिए कि ऊपर वाला हमेशा
आपके लिए अच्छा सोचता है, जो चीजें आप लाइफ में आप नहीं देख सकते वो चीजें वो देखकर आपको उस हिसाब से आंसर करता है। तो जैसे एक बड़ा ही मजेदार सा इंसिडेंट था कि एक मैडम मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम एक बात बताइए, ये व्यक्ति मेरे जीवन से क्यों चला गया। तो मैंने उनको ये कहा कि ऊपर वाले ने ऐसी बातें सुनी थी जो आपने नहीं सुनी थी, इसलिए ऊपर वाले को लगा कि ये व्यक्ति को आपके साथ नहीं रहना चाहिए और इसीलिए वो आपके जीवन में एक बेहतर व्यक्ति इस तरह का रिप्लेसमेंट लेकर आएगा जो आपको जीवन में चाहिए, जो आपकी तरह हो। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऊपर वाले में कितना विश्वास रखते हैं, कितना ज्यादा उसके साथ समय बिताते हैं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तो जब आप वाकई किसी काम के रहे ही नहीं तो फिर भजन करने का क्या मतलब। तो अपने लाइफ में प्रेयर की प्रक्रिया जो है वो आज से लाना शुरू करिए। आप जितने यंग रहकर ऊपर वाले की प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा उतनी ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग दिस कि हम सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेयर्स करें, हम डायरेक्शन ओरिएंटेड प्रेयर्स तो कर सकते हैं कि हमें लाइफ में दिशा नहीं है, हम डायरेक्शन ओरिएंटेड प्रेयर्स करना शुरू करें। सो परहैप्स गेटिंग प्रेयर्स विद गॉड कैन लीड टू सम काइंड ऑफ साइन ऑफ व्हाट यू आर रिस्पोंडिंग टू बी डूइंग बाय ओबेइंग ऑल द थिंग्स इवन द मुडेन, यू आर शोइंग गॉड दैट यू आर विलिंग टू बी एबल टू ओबे व्हाटसोएवर ही आस्क्स यू एंड एट द एंड ही विल श्योरली हेल्प यू आउट इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। अगर आप वाकई लाइफ के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में प्रेयर को कहीं ना कहीं इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव बीन डन इन योर पास्ट। हम जैसे एक अगेन एक बड़ी मजेदार सी कहानी, एक आदमी आया और उसके पास एक 2 किलो का पत्थर था और उसने एक और उसके ऊपर 2 किलो का पत्थर रख लिया और एक और 2 किलो का पत्थर रख लिया। तो इसने क्या करा, अपने हाथ में 6 किलो का पत्थर रख लिया जबकि वो सिर्फ 2 किलो में काम हो सकता था। हम क्या करते हैं, हमारे 2 किलो का पास्ट, हमारे 2 किलो का प्रेजेंट और हमारे 2 किलो का फ्यूचर, इस सबकी टेंशन अपने हाथों में रखते हैं और वाकई इस सब के चक्कर में हम अपना प्रेजेंट नहीं इंजॉय कर पाते। सो लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन ऑलरेडी डन इन योर पास्ट। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको ना बदल सकते हैं। और आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि समय से ज्यादा बलवान कोई चीज नहीं होती, समय से ज्यादा बड़ा पैसा भी नहीं होता, क्योंकि जो समय निकल गया आप उस समय को कितना भी पैसा देकर कभी अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते। सो लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट बिहेवियर्स विल हेल्प यू टू ओपन अप योर न्यू लाइफस्टाइल्स एज वेल एज न्यू प्रोस्पेक्टिव एंड आउटलुक्स। एज यू चेंज योर प्रोस्पेक्टिव विल चेंज टू, जैसे ही आप अपने देखने की दृष्टि को बदलते हैं सारा प्रोस्पेक्टिव जो है वो वहीं बदल जाता है। आपने कई लोगों को माफ करते हुए देखा होगा, तो भाई माफ वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे बैठे होंगे, मैम हम उस चीज को लेट गो नहीं कर पा रहे। करके देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यहाँ पर आइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेट गो ऑफ द ओल्ड थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड एंड मीट योर न्यू गोल्स। आगे आइए, नए गोल्स बनाइए, नए गोल्स की तरफ काम करते हैं। पुराना गोल नहीं भी काम करा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार जो हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। कई लोग ऐसे मिलते हैं, 85% लोग ऐसे होते हैं जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं उस सब्जेक्ट को आगे भी नहीं पढ़ाते। और मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। सो जो हो गया उसे जाने दीजिए। So, आशा करती हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मैं पर्सनालिटी डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके इतने प्यार और धैर्य और बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने सारे वीडियोस मेरे देखे। सो बेसिकली मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। मैं एक इंटरव्यू कोच हूँ, एक बिजनेस इंग्लिश कोच हूँ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ, लिंक्डइन की सेंट्रल इंडिया की कोच हूँ और साथ ही साथ मैं कवर लेटर और रिज्यूमेस पे काम करती हूँ। सो आशा करती हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे यूट्यूब पे यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे या मुझे कहीं पर भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक कहीं पर भी ढूंढ के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर।